ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को, इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का। फिर मैं जब इनसे कहता हूँ मेरे को स्कूल बना देने दो तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूँ, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया। जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियाँ छीन ली, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को, इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का। मैं सुन रहा था अमित शाह वहाँ पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूँ, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूँ मेरे को स्कूल बना देने दो तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूँ, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों। मैं बिजली फ्री करता हूँ, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते झगड़ते बहुत। मैं जो भी करता हूँ, चाहे झगड़ता हूँ चाहे जो भी करता हूँ, दिल्ली के लोगों को पसंद हूँ। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए, आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली, नोटिफिकेशन जारी कर। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हैं। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे लोकसभा। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ।